क्या होती उतरन। तब्बू तू क्या कर रही है? तेरी माँ ने। अच्छा है ना? देख, इससे मिलता भी है। नीला हार और नीला ड्रेस। तेरी माँ ने कहा मैं इस पे बहुत अच्छी लगूंगी। ये हमारा नेकलेस है, हमें दे दो। हमारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? बुरा लगा, मैं देती हूँ।
मैं तेरे लिए कितना अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। आज सब्जी लेने गई थी ना, तो उसके बाजू में वो चूड़ी वाला बैठता है, उसके पास मैंने ये देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे पूछा कितने का है, तो बोला ताई एक नहीं दो लेने पड़ेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो बोला ये वो है क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, फ्रेंडशिप बैंड है, इसलिए दो लेने पड़ेंगे। ये पहनने से दोस्ती नहीं टूटती। तो मुझे तेरी और बेबी जी की याद आ गई। अच्छा है ना, मैंने तेरा और बेबी जी का नाम लिखवाया इस पर। अच्छा लगा ना तुझे? इचकी? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? टप्पू भी सरप्राइज नहीं लेगी। क्यों? क्या कह रही है हिचकी, ऐसे क्या रो रही है तू? क्या हुआ हिचकी, तू इतना रो क्यों रही है? मैं को यार नहीं रह रहा, मैं रह रहा मैं को यार। अम्मा, तब की मम्मी ने जो मेरे को हार लेकर दिया था ना, वो बोली उसने गलती की कि उसने मेरे से दोस्ती की, वो मेरे को अपना दोस्त नहीं मानती, वो मेरे को अपना दोस्त नहीं मानती, वो मेरे को बोली I hate you बोली वो। नहीं बेटा, नहीं, रोते नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बेबी जी तो आजकल बहुत गुस्से में रहती है ना, इसीलिए शायद उन्होंने। अम्मा, वो मेरे को पहले जैसे प्यार नहीं करती, वो बोली मैंने उसका सब कुछ छीन लिया है, पापा सब कुछ छीन लिया है, वो बोली चले जाओ अपनी बस्ती। टप्पू बेटा, ये इतना गुस्सा किस पर आ रहा है आपको, और ये हार, ये तो आपको बहुत पसंद था, ये कैसे टूट गया? टूटा नहीं, हमने इसे तोड़ दिया, क्योंकि माँ ने हार इच्छा को दिया था। अच्छा ये टूट गया बेटा, जो चीज आंखों को चुभने लगे ना, उसे फेंक देना ही अच्छा है। अरे तपस्या, ये क्या, आप अब तक तैयार नहीं हुई? भूल गए, आज हम आपको रिक्शा को भाले जाने वाले हैं, नई आइसक्रीम पार्लर ले जाने वाले। पापा हम नहीं। टप्पू बेटा जल्दी से 5 मिनट में तैयार हो जाइए, चलिए। पर जोगी इच्छा तो नहीं आ पाएगी, वो और दामिनी बस्ती गए हैं अपने दोस्तों से मिलने। ठीक है, हम नीचे आपका इंतजार करें।
जल्दी से आ जाइएगा। नानी, अपने पापा से क्यों कहा जब हमें जाना ही नहीं था? टप्पू बेटा, देखिए आज वो चूहिया पापा के साथ नहीं जा रही है, नहीं तो वो पूरा ध्यान उस पर ही रखते। आज आप अपने पापा के साथ अकेले घूमने जा रही हैं। खूब बातें कीजिएगा, फिर देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। तेरी अम्मो तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तेरी और बेबी जी के खातिर मुझे फैसला लेना ही पड़ेगा। अरे तुम गई नहीं? तपस्या के पापा तो कह रहे थे कि तुम और इच्छा बस्ती जा रही हो। और इच्छा कहाँ है? वो क्यों नहीं गई तपस्या के साथ? तपस्या के पापा आज दोनों को घुमाने में जाने वाले थे ना। इसकी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो गई। क्या? अरे तो बताना चाहिए था, हम डॉक्टर को घर बुलवा लेते। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकी थी, सर में दर्द हो रहा था, सुला दिया मैंने उसे। दामिनी, बच्चों की तबीयत का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर कभी तपस्या को बुखार हो जाता है ना, तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, डॉक्टर को झट घर बुला लेते हैं। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? जी मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए बस्ती चली जाऊं। इच्छा भी अपने दोस्तों से मिल लेगी। और क्या बस्ती? कि हम दोनों अपने घर अपनी बस्ती चले जाएं। क्या है ना ठाकुरहीन, अब आप भी लगभग ठीक हो गई हैं, मौसी जी हैं, और इस घर में मेरा इतना कुछ काम भी नहीं है, तो ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हारे मन में? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं नहीं, मौसी जी ने कुछ कहा? तपस्या ने कुछ कहा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठाकुरहीन, आज तक हमने जो कुछ भी किया बच्चों के लिए किया, उनकी खुशी के लिए किया। अब जब बच्चे ही खुश नहीं है तो फिर दामिनी कौन खुश होगा तुम्हारे जाने से? तपस्या, अब बुरा मत मानिए, बेबी जी ना समझ है, और कभी कभी बच्चों की खुशियों के लिए बड़ों को कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। समझ गया, जाओ इच्छा को बुला लो। नहीं 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 ठाकुरहीन, अभी नहीं, वो बहुत उदास है, बच्ची है ना, हम कुछ दिनों के लिए बस्ती चले जाएंगे तो बेबी जी के मन से ये बात निकल जाएगी कि उनके माँ पापा का प्यार पट रहा है। और वैसे भी बेबी जी सही हैं, क्योंकि आप दोनों के प्यार पर सिर्फ बेबी जी का हक है। ठाकुरहीन, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया है, अब आपको भी अपने दिल पर पत्थर रखना होगा, वरना बेबी जी के दिल में जो कड़वाहट भर गई है वो जहर बन जाएगी। तुमने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए दामिनी, जाना चाहती हो जाओ, लेकिन जाने से पहले ठाकुर साहब से मिल के जाओ, वरना बहुत नाराज होंगे। आपके दिल से बोझ कभी नहीं आता। अरे तपस्या रुकिए, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। पापा मैं इसी से
अरे रुकिए तो, आहिस्ते गिर जाएंगे आप। तपस्या, तपस्या। कौन है, कौन है माँ? इच्छा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो मुंह के साथ बस्ती जाने वाली थी ना, क्या हुआ? आपकी आंखें बता रही हैं कि आप रो रही थी, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा आपसे? महाराज जी, मुंह मीठा करो। क्या बात है ज्योति, आज तो तू बड़ी खुश नजर आ रही है, हैं? अरे भाई, ठाकुरायन ने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी है या फिर दामिनी वाला कमरा तुझे रहने को मिल गया है? अरे महाराज जी, अब तो हम हवेली में रहेंगे। ऐसी खबर सुन के आ रही हूँ कि कलेजे को ठंडक पड़ गई। ये लो, एक और बर्फी लो। लेता हूँ बाबा, लेता हूँ, लेकिन बता तो सही बात क्या है? दामिनी अपनी बेटी को लेकर वापस जा रही है। क्या, दामिनी वापस जा रही है? हाँ, मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना। दामिनी ठकुराइन से जाने की इजाजत मांग रही थी। ठकुराइन ने तो कह दिया, जाना है तो जाओ, हम मनाएंगे नहीं। क्या बात इच्छा, आज हम आपको और तपस्या को बाहर घुमाने ले जाने वाले थे, पता चला आप बस्ती गई हैं। अगर आप साथ आती तो अच्छा होता। आप नहीं आई कोई बात नहीं, देखिए हम अपने क्या लाए हैं। चॉकलेट इच्छा के लिए। इच्छा, लीजिए चॉकलेट। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम इस चॉकलेट का रैपर उतार देते हैं, आप अपने चेहरे से ही उदास उतार दीजिए। ओके, ये खुल गया रैपर, ये रहा इच्छा के लिए स्पेशल चॉकलेट। लो बेटा, तो हमें पता है हमारी टप्पू बिटिया अपने पापा के साथ घूमने जाएगी तो खुश तो होगी। नानी वो बात नहीं है, आपने क्या कहा था, कुछ छुपे तो? जो चीज आँख में चुभने लगे उसे फेंक देना चाहिए। हाँ, और वही हुआ। वही हुआ मतलब? बेटा बताइए ना क्या हुआ। हमने सुना अमोर हवेली छोड़कर बस्ती वापस जा रहे हमेशा के लिए। रामी राखी, आज तो बहुत खुश। ये हम क्या सुन रहे हैं तपस्या, कुछ पूछ रहे हैं आपसे? वो हमने ज्योति दीदी जी को कहते हुए सुना। क्या सुना आपने? हमने सुना कि अमोर इच्छा वापस बस्ती जा रहे हमेशा के लिए।